फ्रेंड्स, वेलकम टू नीमोज होम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई का वर्ल्ड फेमस फ्रूट क्रीम। अगर आप कभी मुंबई के हाजी अली में गए हो, देन आई एम श्योर कि आपने हाजी अली जूस सेंटर की फ्रूट क्रीम पक्के से खाई होगी। एकदम क्रीमी एंड टेस्टी। ये देखिए, तो चलो आज बनाते हैं मुंबई हाजी अली स्पेशल सीताफल फ्रूट क्रीम। सीताफल फ्रूट क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप दूध, कस्टर्ड एप्पल पल्प यानी कि सीताफल का पल्प। यहाँ मैं एक सीताफल का पल्प यूज कर रही हूँ और इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता और साथ में अमूल फ्रेश क्रीम, आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर की रेसिपी मैंने आई बटन में दी है, आप चाहे तो एक बार उसे भी चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, सीताफल के बीज पूरी तरह से आपको निकालना है, एक भी बीज इसमें नहीं रहना चाहिए। गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम को कुछ इस तरह से कट किया है और पिस्ता को भी बारीक काट लिया है। और कुछ आइस क्यूब हम यूज करेंगे, तो एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे सीताफल का पल्प, थोड़ा सा अलग से भी रख देते हैं, ये हम सर्विंग के वक्त यूज करेंगे। अभी डालेंगे 5 से 6 आइस क्यूब्स, दूध। यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया है, हम इसे ग्राइंडिंग करते वक्त थोड़ा यूज करेंगे, दूध को एक साथ नहीं डालना है। और आइसिंग शुगर, सीताफल काफी मीठा है तो मैं यहाँ सिर्फ 1.5 चम्मच ही आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आप जैसा मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से शुगर यूज करें। इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके स्मूदी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, स्मूदी रेडी है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। सर्व करते वक्त हम इसमें डालेंगे सीताफल का पल्प जो हमने अलग से रख दिया था। और अब इसके ऊपर अमूल फ्रेश क्रीम की एक लेयर। क्रीम अच्छे से यूज करना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। एक साइड पे डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता और दूसरी साइड में बारीक कटा हुआ बादाम। तो ये हमारा सीताफल फ्रूट क्रीम तैयार है, एकदम क्रीमी एंड क्रंची। तो आप भी घर पे बनाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। Stay happy, stay healthy. Bye-bye.